नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धार्मिक दृष्टि चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे धार्मिक दृष्टि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए प्रेरणा होगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। किसी ने सच ही कहा है, मिट्टी का एक छोटा सा कण जब अनेक कणों से मिलकर ईंट बनता है तो वो ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं, दीवारें मिलकर एक सुंदर घर बनाती हैं। ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं जिनमें कोई जान नहीं है, लेकिन जब ये मिलकर एक मकान बनाती हैं तो वो अद्भुत बन जाते हैं। इसी तरह हम इंसान भी हैं, जब हम एकजुट होते हैं तो हम अद्भुत चीजें कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष के समय अक्सर कोई हमारे आसपास नहीं होता, लेकिन सफलता मिलने पर लोग खुद ही हमारे पास आते हैं। दूसरों द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलना आसान हो सकता है, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद बनाना भी सीखना चाहिए। बिना मेहनत और लगन के कुछ भी हासिल नहीं होता। ये सच है कि साहब, सफलता के लिए संघर्ष और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। पंछी को दाना कुदरत जरूर देती है, पर रिश्तों में प्यार का मीठा स्वाद जरूरतों के तार से ही बनता है। जब तक काम आओगे, वाह वाह की गूंज गूंजेगी, वरना रिश्ते नाते सब फीके पर जाएंगे। इंसान की कीमत सिर्फ मुश्किलों में ही पहचानी जाती है। बिना जरूरत के तो हीरे भी तिजोरी में धूल फांकते रहते हैं। कभी किसी को अपनी बातों के लिए मजबूर मत करो। जो तुम्हारी अहमियत समझता है वह बेवजह भी तुम्हें याद करेगा। यह सच है कि रिश्ते मतलबों से चलते हैं। जरूरतों का दर्द ही प्यार का बंधन मजबूत बनाता है। रिश्ते अब व्यापार से मिलते हैं, जहां प्यार कम मतलब ज्यादा है। घमंड में नाक ना सूंघो, क्योंकि विजेता भी झुककर सम्मान पाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो साथ देते हैं उन्हें स्वीकारो खुले दिल से, विरोधी बनो पर गद्दारी ना करो। चक्रव्यूह रचने वाले भी अपने ही होते हैं, ये कल भी सच था और आज भी सच है। कौन अपना कितना अपना ये वक्त ही बताता है। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, वैसे ही रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आते हैं। कभी खुशियों की लहरें तूफान बन जाती हैं तो कभी गमों की गहराइयां डराती हैं। लेकिन रिश्तों की नाव यदि विश्वास के पतवार से चलती है तो फिर कोई तूफान भी डुबा नहीं सकता। प्रेम की पालें यदि उम्मीदों से भरी हों तो फिर कोई भी गहराई डरा नहीं सकती। रिश्तों का महासागर केवल प्रेम और विश्वास का ही नहीं, दोस्ती, सहयोग और त्याग का भी संगम है। यहां हर बूंद, हर लहर एक कहानी कहती है, एक अनुभव सिखाती है। परिवार, दोस्त और जीवन साथी, ये रिश्तों के अनमोल रत्न हैं। इनकी देखभाल, इनका सम्मान जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, अपनी खुशियों की डोर किसी को मत थमाओ। दोस्ती में भी होशियार रहो, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की खुशियां खो देते हैं। छोटी सी जिंदगी ने यह बड़ा सबक सिखाया है, रिश्ते सभी से रखो, लेकिन खुशियों की उम्मीद सिर्फ खुद से करो। खुद को शिक्षित समझकर भगवान को मत भूलो। कर्म ही असली ताकत है, डिग्री नहीं। गलत रास्ते पर मत चलो, क्योंकि काल कर्मों का हिसाब जरूर लेता है। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लो और जीवन को सच्चे मन से ज्यो। अफवाहों की आंधी में घबराओ मत, सम्मान बनाए रखो, सच का साथ दो। ग्रहण काल तो चांद सूरज भी सहते हैं, झूठे मीठे बोलते हैं, सच्चे कड़वे होते हैं। इतिहास गवाह है, बराबरी न सहने वालों को बदनाम किया जाता है। प्यार खत्म हो जाए तो रिश्ता बोझ बन जाता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता। याद रखें, सच की हमेशा जीत होती है। झूठे आरोपों का सामना शान से करें। समय का पहिया घूमेगा, सबकी असलियत सामने आएगी। अपनी जिंदगी पर किसी का नियंत्रण न रखने दें, सिर ऊंचा रखें, आगे बढ़ते रहें। ये अनमोल जीवन झूठे आरोपों में बर्बाद न करें। विश्वास रखें, सच की रोशनी जरूर फैलेगी और आपकी बदनामी मिट जाएगी। अपना सच्चा साथी ढूंढो जो तुम्हारी परवाह करे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे तुम्हें इस्तेमाल करने वाले। हर पल, हर मुकाम पर, जैसे आंख में परा तिनका या पैर में घुसा कांटा, रुई में दबी आग से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं वो लोग जिनके दिल में छुपा होता है कपट और पाप। जब कोई तुम्हें अनदेखा करने लगे, समझ लेना वक्त आ गया है दिल टूटने से पहले, खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। श्री कृष्ण बताते हैं कि दुनिया रंगमंच है, हर कोई अपने किरदार निभा रहा है।
कुछ किरदार रोशन करते हैं जिंदगी को, तो कुछ बन जाते हैं जिंदगी में चलने वाले कांटों की तरह। मगर इस भीड़ में असली खजाना है वो हाथ जो थाम लेते हैं बिना कुछ कहे, वो आंखें जो हमारी खामोशियों को भी पढ़ लेती हैं। वही हैं सच्चे रिश्ते जिन्हें ढूंढना है दिल से और संजोना है हर पल। इस सफर में मिलेंगे आपको कई लोग मीठे बोल और झूठी मुस्कान लिए। वो पेश करेंगे खुद को हमेशा साथ देने वाला, मगर वक्त आने पर निकल जाएंगे, मतलब निकाल कर। ये रिश्ते क्षणभंगुर रेत के महल की तरह होते हैं। दिखते तो खूबसूरत हैं मगर एक झोंके से ढह जाते हैं। आपकी परवाह करने वाला वही होता है जो आपकी खुशियों में तो शामिल होता ही है, साथ ही आंसुओं को भी पहुंचता है। वो आपकी कमियों को नज़रअंदाज नहीं करता, बल्कि उन्हें दूर करने में आपका साथ देता है। सच्चे रिश्तों में होती है वो गहराई जहां बिना कुछ कहे सब समझ आ जाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां लगता है हम अकेले हैं। कोई नहीं है जो समझे हमारा दर्द, कोई नहीं है जो दे सके सहारा। मगर यही वो वक्त होता है जब सच्चे रिश्ते अपनी असलियत दिखाते हैं। वो दूरियां मिटाकर आपके करीब आ जाते हैं, बन जाते हैं आपके दुख का सहारा और खुशियों को बांटने वाला साथी। जैसे सूखे पत्तों को सहारा देती है जमीन, उसी तरह सच्चे रिश्ते देते हैं जिंदगी को मजबूती। वो बनते हैं आपकी ताकत, आपका विश्वास। इन रिश्तों में नफा नुकसान का भाव नहीं होता, बस होता है निस्वार्थ का प्यार और अपनापन। तो याद रखिए, जिंदगी की असली दौलत है सच्चे रिश्ते। इन्हें तलाशिए दिल से, संभालिए प्यार से और निभाए वफादारी से। यही वो रिश्ते हैं जो बनाते हैं जिंदगी का सफर खूबसूरत और आसान। आंखों से झरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी दोबारा नहीं उठते। दुनिया पूछती है तुम्हारा अपना कौन है, मैं मुस्कुराकर कहता हूं समय सही हो तो सब अपने, वरना कोई नहीं। कभी किसी का ज्यादा इंतजार मत करना, क्योंकि उसका न आना भी एक खास संदेशा है। कुछ लोग जैसे चश्मे के नंबर वक्त के साथ धुंधले होते जाते हैं और नजरों से ओझल हो जाते हैं। ये जीवन है, यहां रंग बदलते रहते हैं, अपनेपन के किरदार आते जाते रहते हैं। बस खुद को संभालो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो अपनी मंजिल की ओर। चलिए इस पर निर्धारित एक कहानी को देखते हैं। इस कहानी का नायक संतोष एक युवा कलाकार था। बचपन से ही कला के प्रति समर्पित संतोष अपनी कला में अद्भुत कौशल रखता था। उसकी कलाकृतियां लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थीं। धीरे धीरे संतोष को सफलता मिलने लगी, उसकी कला प्रदर्शनियों में लगने लगी और उसे कई पुरस्कार भी मिले। प्रसिद्धि और धन के साथ साथ संतोष को अपनेपन के किरदार भी मिले। कई दोस्त और प्रशंसक उसके जीवन में आए, लेकिन जैसे जैसे संतोष सफल होता गया, उसके अंदर अहंकार का जहर भी घुलने लगा। वह दूसरों को नीचा देखने लगा और अपनी कला को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। संतोष का अहंकार उसे अंधा कर रहा था। उसने अपने पुराने दोस्तों और प्रशंसकों को भुला दिया और केवल उन लोगों से दोस्ती करने लगा जो उसकी सफलता से चकाचौंध थे। एक दिन एक कला प्रदर्शनी में संतोष को हार का सामना करना पड़ा। एक युवा कलाकार जिसकी प्रतिभा और लगन ने सभी को प्रभावित किया, ने संतोष को हरा दिया। यह हार संतोष के लिए एक कड़वी सच्चाई थी। उसने महसूस किया कि अहंकार ने उसे कितना अंधा बना दिया था। उसने अपने पुराने दोस्तों और प्रशंसकों से माफी मांगी और अपनी कला में फिर से लगन और मेहनत करने का वादा किया। संतोष की कहानी हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सफलता हमें कभी अभिमानी नहीं बनानी चाहिए और असफलता हमें हताश नहीं करनी चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा, कृपया नीचे कमेंट करके बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।